हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी है बजाज की ही दो बाइक जो मुझे काफ़ी कंफ्यूज कर रही है इस समय, क्योंकि एक है आपकी 250 सीसी की N250 जो कि आपकी 5 गियर के साथ आती है, 250 सीसी के साथ आती है और 24.5 पीएस की पावर जनरेट करती है। और बगल में है आपकी बजाज की ही 200 सीसी की NS जो आपकी 6 गियर के साथ आती है लेकिन सेम पावर जनरेट करती है 24.5। तो कई लोग मानेंगे कि इन दोनों बाइक को कंपेयर करना चाहिए, पर मेरे हिसाब से NS जो है वो बजाज NS को ज़्यादा बेटर मानती है, क्योंकि दोनों ही बाइक्स बजाज की है, दोनों ही नेकेड स्पोर्ट्स हैं, फिर भी NS का प्राइस N250 के प्राइस से ज़्यादा कॉस्टली है। 10 से 12 हज़ार रुपये महंगी पड़ेगी आपको NS, तो इसका मतलब है कि बजाज इसको महंगा बेचता है तो उसको ज़्यादा प्रीमियम मांगता है। लेकिन पावर के मामले में दोनों बराबर हैं। 6 स्पीड मिल रहा है वहाँ पे, यहाँ पे आपको 5 स्पीड मिल रहा है। वहाँ आपको NS में आपको लिक्विड कूल मिल रहा है, यहाँ पे आपको ऑयल कूल मिल रहा है, वहाँ USD मिल रहा है, यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है। तो हर चीज़ वहाँ पे जो NS है वहाँ पे इंजन की कैपेसिटी छोड़ के बाकी सारी चीज़ें प्रीमियम है। टॉर्क में ये आगे निकल जाती है, 5 स्पीड के साथ इसमें आपको टॉर्क मिलता है 21.5 और वहाँ पर आपको टॉर्क मिलता है 18.7। चलो तो स्टार्ट कर चुका हाँ मैंने N, N आपकी NS आगे निकल गई। NS ज़्यादा बेटर है क्या भाई? जाहिर सी बात है स्पोर्ट बाइक है और 6 गियर के साथ आती है। देखते हैं टॉप स्पीड में क्या होता है। और यहाँ पे NS निकल चुके हैं आगे, N250 पीछे है। अभी देखते हैं उसको, टॉप ज़्यादा है तो हो सकता है मे भी टॉप एंड में निकल जाए आगे। बट NS जो है आपकी बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है, इनिशियल में निकल चुके हैं आगे। टॉप स्पीड में क्या होता है? गियर से पांचों में लगा चुका हूँ, NS में 6 गियर थे। यार डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है? डिस्टेंस कम हो रहा है क्या? ये NS को हरा देगी N? पे मैंने इसका सिक्स गियर चेंज किया, मतलब फिफ्थ गियर चेंज किया, सिक्स लगाया। अब देखना है कि क्या वो N250 तो मुझे फिट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। क्या ये NS को हरा देगी? ओ भाई साहब N ने NS को हरा दिया। बजाज की कम प्रीमियम बाइक ने बजाज की ज़्यादा प्रीमियम बाइक को हरा दिया। कमेंट जरूर करना यार, आप लोगों को कमेंट आता है थोड़ा देखते हैं कमेंट, दिल को बड़ा अच्छा सुकून मिलता है कि चलो हाँ कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। बाकी N250 निकल गई भाई, N250 निकल गई आगे। मैंने कहा था इन्हें टॉप एंड में निकल सकती है तो N250 निकल गई। अगर थोड़ी सी स्ट्रीमिंग हम करेंगे तो देखो, इससे आपको पता चलता है कि टॉप का कितना ज़्यादा मायने रखते हैं। लोग बोलते हैं कि गियर ज़्यादा चाहिए चाहिए, 5 गियर है 6 गियर दो, 5 गियर है 6 दे दो। भाई गियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन फ़र्क पड़ता है आपका RPM से। गियर से फ़र्क नहीं पड़ता, मेन फ़र्क पड़ता है आपका RPM पे। देख लो एक 5 गियर की बाइक उसको बीट कर रही है। अब बंदे ने मुझे लगता है थोड़ी सी स्लिप ट्रिमिंग की है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्लिप ट्रिमिंग की है तो की होगी। टू फोटो मुकाबला चल रहा है, टू मुकाबला चल रहा है भाई। और अभी टोटू क्या चल रहा है? अभी NS आगे हो गई फिर से, मतलब बस देख रहे एक माइनर सा अंतर हमें लग रहा है, टॉर्क ज़्यादा है N250 का, इसीलिए वो थोड़ी सी मतलब प्रिंट भी सामने पड़ रहा है तो उसको थोड़ा इंजन पे कम असर पड़ रहा है, इसमें टॉर्क कम है।
वही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं। मतलब देखो थोड़े से भी, मतलब मैंने साइड चेंज करने के लिए उतने से उसमें स्लिप स्ट्रीमिंग में इसने एंड टायरों को पीछे कर दिया। देखते हैं टो टू टो चल रही है दोनों। थोड़ी सी फास्ट है, थोड़ी सी फास्ट है, मुझे लग रहा है एन थोड़ी सी फास्ट है, क्योंकि देखो विदाउट द स्लिप फ्रेमिंग, विदाउट द स्लिप फ्रेमिंग भी आगे निकल जा रही है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यही डिफरेंस निकल के आ रहा है। देन फर्स्ट रेस को हम यही करेंगे एंड। यार एन फास्ट है मेरे हिसाब से, एन ज़्यादा फास्ट है, एन एस से ज़्यादा फास्ट आपकी एन है 100% में। भाई मेरा वेट अविनाश से काफ़ी ज़्यादा है, मेरा वेट अविनाश से काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद भी ये उसको बीट कर दी, वो भी लॉन्च में काफ़ी पीछे रह गए थे, उसके बाद इसने बीट कर दिया। और बाद में अविनाश आगे निकला भी तो थोड़ी सी स्लिप स्ट्रीमिंग उसने की, तो इसका मतलब है कि मेरा वेट जो है वो ज़्यादा होने के बाद भी अगर उसने एन एस को बीट किया तो भाई एन ज़्यादा अच्छी बाइक है, मतलब अच्छी नहीं बोल सकते बट ज़्यादा टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है आपकी। तो अब राइडर चेंज करने वाले हैं हम लोग। जल्दी से राइडर चेंज कर लेते हैं, मैं चलाने वाला हूँ एनएस। यार एनएस का पिकअप अच्छा है, एनएस का पिकअप एन से तेज है। देखो यहाँ पे मुकाबला चल रहा है थोड़ा सा, सेकंड रेस में आप देख सकते हो 100% में, क्योंकि दोनों ही बार एनएस आगे निकली है, सॉरी हाँ दोनों बार एनएस आगे निकली है, तो एनएस का पिकअप एन से ज्यादा तेज है। टॉप स्पीड में एनएस शायद आगे निकल जाए पर एनएस का पिकअप एन से ज्यादा तेज है। अब देखो यहाँ पे एनएस निकल रही है, यहाँ पे एन निकल रही है। एनएस का पिकअप ज़्यादा बेटर है, इनिशियल अच्छे हैं लेकिन टॉप स्पीड एन की ज़्यादा अच्छी है, कुछ ज़्यादा गैप नहीं है। और देखो यहाँ पे एन 250 निकल गई है आपकी आगे, एन 250 आपकी आगे निकल चुकी है, नो डाउट एन 250 निकल चुकी है यहाँ पे, और इसमें टॉप गियर लग चुका है। और ये गाड़ी अभी अचीव कर रही है 146-147 किलोमीटर आ रहा है भाई गाड़ी का। हो सकता है कुछ 5-6 हज़ार 10 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद एन जो है वो आगे निकल जाए, लेकिन टॉप स्पीड में एन 250 मात देती है एन एस 200 को, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक कम गियर की बाइक मतलब 5 गियर वाली बाइक है और सस्ती है एन एस से, उसके बाद भी वो बीट कर रही है। गाड़ी का इंजन और फंक्शन लाइट भी जल रही, वो यहाँ पे कुछ काम हो रहा था, यहाँ से थोड़ा सा दूर से हम टर्न लेंगे, तो यहाँ पे चांसेस है कि एनएस ओपन निकल जाए आगे, चांसेस है, क्लियर नहीं है कि निकल जाएगी बट चांसेस है कि निकल जाए। देखते हैं, हो सकता है एनएस आगे निकल जाए, क्योंकि इसमें लिमिटर नहीं आता है एनएस में। 150 देखिए, 150 चल रही है, 150 चल रही है, बराबर चल रहे हैं दोनों, बराबर अभी तक बराबर चल रहे हैं। अभी तक नहीं, एकदम मतलब पीछे ही चल रही थी कोई, और भाई साहब चिड़िया आ रही थी देखें। सेम रिजल्ट, बिल्कुल सेम रिजल्ट।
जो लास्ट बार रिजल्ट रहा था वो सेम, मतलब उतनी ही दूरी रही दोनों बाइक्स में, तो जाहिर सी बात है वेट का डिफरेंस है, ये जाहिर सी बात है वेट का डिफरेंस है, बट इनिशियल एनएस का बेटर है। इनिशियल किंग ऐसे नहीं बोलते भाई, इनिशियल किंग ऐसे नहीं बोलते एनएस को, इनिशियल किंग भी बोल सकते हो, नेकेड किंग भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ तो इसकी टॉप स्पीड ज्यादा है, इनकी स्पीड तो इसकी ज्यादा है और इसमें क्या है टॉर्क ज्यादा है ना, तो अगर अपोजिट विंड आ रहा है तब भी ये कवर कर ले रही है उसमें। तो ये थी आपकी ड्रैग रेस, आपने देख लिया एनएस जो है इनिशियल में ज़्यादा फास्ट है, टॉप स्पीड में दोनों मुझे लग रहा है इक्वली हैं, लगभग लगभग बराबर है, 19-20 का अंतर होगा, आप लोग खुद व्लॉग देख लीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा। बाकी सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ ये व्लॉग एंड करता हूँ, दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।